नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे द बेस्ट टाइम टू विजिट भीमताल। दोस्तों भीमताल एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है आपका, जो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ये 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फ्रॉम नैनीताल, और इसका बेस्ट टाइम घूमने का है दोस्तों मार्च से जून। दोस्तों समर का टाइम, गर्मियाँ जब ताबड़तोड़ पड़ती हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो उस समय हिल स्टेशन में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। और इस समय भीमताल एक बहुत ही पॉपुलर स्टेशन, तो इस समय इसका टेम्परेचर जो होता है 10 से 27 डिग्री के बीच में होता है दोस्तों। सारे होटल जैम पैक्ड होते हैं, सारे होटल के 300 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं भीमताल लेक के अंदर, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, दोस्तों ये सारी एक्टिविटी आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ वहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हैं दोस्तों, फिशिंग भीमताल लेक के अंदर आप फिशिंग कर सकते हैं, ये एक अलग आपका इन्जॉयमेंट होगा। और इसके अलावा जो जो प्लेसेस हैं घूमने के, जो इस समय आप घूम सकते हैं, वो है भीमताल लेक, एक्वेरियम ऑफ द भीमताल आइलैंड, विक्टोरिया डैम, हिडिंबा पर्वत। दोस्तों बहुत ही सुंदर लोकेशन है, मज़ा आ जाएगा। पर इस समय सारे आपके होटल जैम पैक्ड होते हैं, पीक सीजन है आपका ये समर भीमताल घूमने का। इसके बाद अगला सीज़न आपका मानसून। दोस्तों मानसून का टाइम चालू तो जुलाई और अगस्त, ये दो महीने भीमताल में बारिश पड़ती है दोस्तों। और इस समय बारिश के कारण जो होता है, जितने जितने फ्लावर्स होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं दोस्तों। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, बीच में झील है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है दोस्तों, मज़ा आ जाता है देख के। और इस समय आप ज़्यादा साइट सीइंग वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज कभी भी बारिश हो जाती है, पैराग्लाइडिंग बंद हो जाती है, साइकिलिंग आपकी बंद हो जाती है, फिशिंग आपकी बंद हो जाती है दोस्तों। पर रोमांटिक मौसम हो जाता है आपका, तो हनीमूनर जा सकते हैं फॉर द कोजी इन्वायरमेंट। और ये आपका ऑफ सीजन है, थोड़ा वो ध्यान से जाइएगा, बिकॉज हिली एरिया है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए आप जुलाई और अगस्त को अवॉइड करिए, पर अगर आप रोमांटिक चाहते हैं मौसम पूरा, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। और ये आपका बिल्कुल ऑफ सीज़न है, इस समय आपके होटल के रेट बहुत ही गिर जाते हैं दोस्तों। 700-800 रुपए के अंदर आपको 3 स्टार होटल मिल जाता है इस समय दोस्तों। अगला आपका सीज़न आता है विंटर। दोस्तों अगर आपको स्नोफॉल इन्जॉय करनी है, तो आप भीमताल ज़रूर चाहिए। सितंबर से फरवरी का जो टाइम है वो आपका विंटर का टाइम है, पर जो स्नोफॉल पड़ती है आपकी, वो दिसंबर के लास्ट से जनवरी के 15 तक आपकी बहुत स्नोफॉल पड़ती है दोस्तों। उस समय यहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो एवरेज टेम्परेचर जो जो आपका भीमताल का विंटर में होता है -3 to 15 degrees Celsius होता है। तो इसलिए बहुत सारे गर्म कपड़े लेके जाना दोस्तों, अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर। और इस समय जो भीमताल लेक है वो बिल्कुल जम जाती है, बिल्कुल फ्रोजन हो जाती है, और बाकी सारी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, पर आप स्नो पे इंजॉय कर सकते हो दोस्तों। स्नोफॉल दबा के पड़ती है यहाँ पर, अच्छी जगह है अगर आप स्नो में इंजॉय करना चाहते हैं तो। और रियली बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो स्नो में इंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप मेरे हिसाब से ज़रूर जाइए स्नोफॉल देखने के लिए, स्नोफॉल में इंजॉय करने के लिए, विंटर के अंदर भीमताल ज़रूर जाने का। तो दोस्तों समर और विंटर ये दो सीज़न है जिसमें आप भीमताल जाके एंजॉय कर सके। समर में गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन पर जाइए, और विंटर में स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।